हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम सी एंड किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही सुपर टेस्टी और सॉफ्ट मिठाई लेकर आई हूँ, जो कि मिठाई खाने में बहुत ही यमी लगेगी। बिल्कुल मार्केट की कोई ये नहीं कहेगा कि ये घर पे बनी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बनाना सच में फ्रेंड बहुत ही आसान है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फटाफट इस आसान सी मिठाई की रेसिपी देख लेते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए एक पैन लेना है हमें, और उसमें डाल देंगे 1 कप मिल्क। पैन को गैस में रख देते हैं और 1 बॉयल आने देते हैं। मिल्क में देखिए उबाल आ रहा है, और बस इसी टाइम पर हम डाल देंगे 1/2 कप शुगर। इसमें शुगर डालकर हमें इसे चलाना है। इस तरह से शुगर मेल्ट होने तक हमें इसे चलाते रहना है। थोड़ी देर में ये शुगर इसमें मेल्ट हो जाएगी। शुगर देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 कप, ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, नारियल का बुरादा कहते हैं इसको, नारियल का खोपरा भी कहते हैं। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करते जाएं। गैस का फ्लेम स्लो रखिएगा इस टाइम। इसको इस तरह से चलाते हुए पका लेना है, थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा तो एक डो के फॉर्म में बनने लगेगा। तब तक हमें इसे पकाना है। ये स्वीट्स सच में बहुत ही आसान है फ्रेंड्स बनाना, और आप चाहें तो इसको व्रत में भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। अभी फेस्टिवल आ रहे हैं तो आप उसमें इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये गाढ़ा हो गया है और ये देखिए कितना थिक भी लग रहा है। बस इस टाइम पे हम डाल देंगे 1/2 स्पून इसमें इलायची पाउडर। आप 5 से 6 इलायची क्रश करके भी डाल सकते हैं, और इसको मिक्स कर लें। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे ये 1/4 कप मिल्क पाउडर है। आप चाहें इसको डालना तो डाल दें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, जैसे कि मावा हमने इसमें मिलाया हो। और अगर नहीं है तो आप मलाई घर की जो है वो 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए, उससे भी वही फ्लेवर आएगा। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स कर देती हूँ। ये मिल्क पाउडर अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, और ये थोड़ा थोड़ा थिक होना भी और स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी इसे हमें और थिक करना है। तो इसी तरह गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम करके आप इसको पका लीजिए। ये बिल्कुल डो की तरह रेडी हो जाएगा, तब तक हमें इसे पकाना है। ध्यान रहे नीचे से लगना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि गैस का फ्लेम हाई है तो आप उस टाइम पे स्लो कर दीजिएगा, और इसको लगातार चलाते हुए हमें पका लेना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हमने इसको पकाया है, और ये बिल्कुल डो की तरह से सिमट रहा है, एक साथ हो रहा है, लग रहा है ना कि जैसे मावा जैसा बनकर रेडी हो गया है। बस इतना ही हमें इसे पकाना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। इसको ठंडा करना है हमें, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मिक्सचर ठंडा हो गया है देखिए, तो इसको 2 बराबर भाग में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप 2 भाग में इसको डिवाइड कर लीजिए। इसको 2 भाग में हमने डिवाइड कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर सेम कलर की व्हाइट कलर की मिठाई बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैं इसको 2 कलर में बनाऊंगी, जिससे कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल अट्रैक्टिव मिठाई बनकर रेडी होगी। तो इसमें आप कोई भी मनपसंद कलर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप ऑरेंज कलर के ऐड करूंगी। आप चाहें तो इसमें ग्रीन, येलो कोई भी कलर ऐड कर दीजिए, बहुत ही अच्छी लगेगी मिठाई। और बस इसको मिक्स कर लें अच्छे से। ये देखिए इसमें अच्छे से कलर हमने मिक्स कर लिया है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ये गीला हो रहा है तो आप फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। बस हाथों को थोड़ा सा चिकना करना है इस तरह से घी लगाकर, और बस छोटे छोटे इसमें से लोई ले लेंगे, और इसको इस तरह से राउंड राउंड करके जैसे कि लड्डू बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से, बहुत बड़ा नहीं हमें बनाना है, और बस हल्का सा इस तरह से चपटा कर देंगे, जैसे गुलाब जामुन का शेप होता है ना, बस उतना ही इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप इसको बनाकर हम रेडी करेंगे। तो सभी जो ऑरेंज कलर के हैं इनको इस तरह से प्लेट में रख लेते हैं बनाकर। ये देखिए सभी ऑरेंज कलर के रोल बनकर रेडी हो गए हैं। अब जो व्हाइट पार्ट है इसके भी हमें सेम इतने ही छोटे छोटे रोल बनाकर रेडी करने हैं।
रोल बनकर रेडी हो गए हैं और देखिए बिल्कुल इक्वल हैं। अगर चाहें आप तो ऐसे भी इनमें ड्राई फ्रूट्स लगा के आप स्वीट्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाते हैं इनको। अब एक रोल को इस तरह से लेंगे ऑरेंज कलर का और एक लेंगे व्हाइट कलर का, इन दोनों को हमें मिक्स कर देना है। तो हल्के हाथों से, जैसे देखिए हल्के हाथों से आप इस तरह से मिक्स कर दीजिए और बस ये हमारी स्वीट का शेप आ गया। अभी एक स्वीट की जो पेपर आता है ना, स्वीट लगाते हैं, इसमें आप रख देंगे, बिल्कुल लगेगा जैसे कि मार्केट स्टाइल मिठाई बनकर रेडी हो गई है। तो बस इसी तरीके से सभी को हम रेडी कर लेंगे। देखिए हमारी स्वीट्स बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें डाल देंगे पिस्ता की थोड़ी सी, मैंने इसको ग्रेट कर लिया पिस्ता, तो उसकी कतरन, तो बीच बीच में इस तरीके से सजा देंगे इसको। बस देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और टेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट मिठाई बनकर रेडी होती है फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्दी। आपने देखा ना कि कितनी जल्दी ये रेडी हो गई, 10 मिनट के अंदर ही ये रेडी हो गई है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।